तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग टिप्स के बारे में, ठीक है। नए ड्राइवर्स जो होते हैं, न्यू ड्राइवर्स, बिगनर्स जो होते हैं, जो सीख रहे हैं गाड़ी, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। और जो भी पुराने ड्राइवर्स हो उनके लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें भाई यूज़फुल हो, आपको भी मज़ा आएगा देखने में वीडियो, ठीक है। तो एंड तक देखते रहिए। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करें ड्राइविंग टिप्स के बारे में। मैं भाई स्टार्टिंग से पूरा बताऊंगा कि भाई कैसे आपको क्या करना है बिगनर्स के लिए। तो भाई सबसे पहले आप गाड़ी में बैठे तो भाई सबसे पहले आपको जो है सीट एडजस्ट करनी है। सब गाड़ी में अलग अलग सीट एडजस्टमेंट होता है भाई, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे सीट एडजस्ट कर लो, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी करना हो। और दूसरी और बैठने के बाद तुरंत ही आपको भाई सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है। और भाई सीट बेल्ट का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है ये पट्टी, ये मैं खींचूंगा, जैसे अगर आपका एक्सीडेंट जैसे भी करना भाई भगवान ना करे हो, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ ऐसा हो तो फिर भाई सीट बेल्ट का ये फ़ायदा है कि सीट बेल्ट तुरंत लॉक हो जाएगा खींचने पर। देखो ये मैंने ज़ोर से खींचा, अरे ये देखो भाई लॉक हो गया, खींचा तो देखा। तो भाई यही फ़ायदा होता है, तो आप जो है सीट से चिपक कर रहोगे जब भी आपका एक्सीडेंट हो तब, ठीक है। तो भाई ये दो पॉइंट्स थे पहले, ठीक है। तीसरी बात ये है कि भाई आपको बैठने के बाद तुरंत ही आपको जो है स्टीयरिंग एडजस्ट करना है। मेरी गाड़ी में तो देखो अब अगर जैसे यही है ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी गाड़ियों में आगे पीछे भी होता है। तो भाई आपको जैसे ठीक लगे, मैं जैसे पूरा नीचे रखता हूँ, ठीक है, मैं पूरा नीचे करके रखता हूँ क्योंकि उससे मुझे अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अगर कोई छोटी हाइट वाला ड्राइवर हो वो भी पूरा नीचे ही रख के चला है स्टीयरिंग, तो उसको भी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, उसको जो है ऊपर जो है स्टीयरिंग बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ आए तो भाई सबसे पहले भाई मैं देखता हूँ रास्ते पे भाई बहुत सारे ड्राइवर्स लोग जो होते हैं वो साइड मिरर से बंद करके चलाते हैं भाई। अरे भाई कैसे चला लेते हैं भाई, देखो साइड मिरर से बंद करके चलाएंगे तो भाई कैसे चलेगा। तो भाई सबसे पहले आपको बैठने के बाद साइड मिरर्स भी ओपन कर लेना है जिससे आपको पीछे का व्यू दिखे। और चौथी बात IRVM आपका हमेशा एडजस्ट होना चाहिए, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे एडजस्ट कर लीजिए। आपको पीछे का जो पूरा व्यू है वो क्लियर दिखना चाहिए, पीछे का पूरा व्यू क्लियर दिखना चाहिए। और पीछे कोई भी सामान वगैरह पड़ा हो ना तो वो भाई नए ड्राइवर्स आप लोग सामान साइड में रख लीजिए पीछे की तरफ। IRVM में आपको विजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए भाई, कंप्लीट आपको सबको दिखना चाहिए वैसे ही आप चीज़ें, इसलिए भाई आपको चीज़ें पीछे की तरफ नहीं रखनी चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ आती है हमारी वो ये है कि आपको ये ब्रेक, सब गाड़ी में देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको ब्रेक और क्लच और एक्सीलेटर तीनों भाई आपको एक बार दबा के भाई उसकी फील ले लेनी है कि भाई कैसे है, टाइट है या लूज है कैसे है, आपको ये जो है पता रहना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट आप गाड़ी चलाने बैठ गए तो भाई क्या पता चला आपने पहले गाड़ी चलाई है उसमें थोड़ा हार्ड हो तो फिर आपने ज़्यादा पुश किया एक्सीलेटर, और इसमें जो अभी गाड़ी चला रहे हो उसमें थोड़ा लाइट हो तो भाई ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, आपको भाई हैंड ब्रेक पहले सबसे पहले डाउन कर लेनी है। और गियर शिफ्ट में भाई शांति से गियर शिफ्ट करना है, ऐसा धड़ाधड़ नहीं करना है। देखो प्यार से फर्स्ट गियर, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये 2000 RPM मैंने गियर चेंज किया सेकंड उठाने के बाद, 20 की स्पीड है अभी, मैंने सेकंड गियर लगा लिया। अब मैं लगाऊंगा थर्ड गियर, भाई थर्ड गियर लगा लिया मैंने, ठीक है, 30 की स्पीड पर 2000 RPM। भाई नए ड्राइवर्स को ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि भाई 2000 या 2500 RPM पहुंच जाए तब आपको गियर चेंज कर लेना है, और उससे नीचे अगर 1500 तक RPM तक आ जाए गाड़ी मीटर, ये जो दिख रहा है आपको एनालॉग इसमें, तो वो नीचे आ जाए 1500 तक तब आपको गियर डाउन कर लेना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो भाई अब दूसरी बात ये आती है कि अब नए ड्राइवर्स हो आपको पता नहीं है कि भाई दूसरे ड्राइवर्स कैसे चलाते हैं रफली। देखो अभी ये मेरे साइड काट के गया, देखो भाई कितनी स्पीड में गया अभी। ऐसे ड्राइवर्स होते हैं बहुत भाई, ऐसे रफली चलाते हैं तो भाई कहीं भी इधर बीच में कट आ गया तो कट में से भाई कोई भी ऐसा अचानक स्पीड में बाहर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कट जैसे भी आपको दिखे कि भाई आगे कट आ रहा है तब दो बार हॉर्न प्रेस कर लीजिए, तो वो भी जैसे वो आ रहा हो तो उसको पता चले कि इस साइड से भी गाड़ी जो है आ रही है भाई। ये सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना बहुत यूजफुल है भाई। अभी हम आगे की तरफ से देखेंगे कि भाई आपको यू टर्न कैसे लेना है, ठीक है, अभी आगे कट आएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली बात भाई
देखो मैं जैसे बहुत टाइम से चला रहा हूँ, मैं मंदे टाइम से, तो मैं जो है गाड़ी रोकते समय सबसे पहले मैं ब्रेक दबाता हूँ, बाद में अगर 20 की स्पीड जैसे आ गई तब मैंने क्लच दबाया। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप नए ड्राइवर हो भाई। देखो पहले ये बता देता हूँ, मैं यू टर्न मैंने लिया, अभी मैंने देखा कि कोई आ नहीं रहा है, आ रहा है, अभी कोई आ नहीं रहा है, तो मैंने धीरे से भाई ऐसे पूरा स्टेयरिंग घुमाया भाई। इधर रोड पे चढ़ते ही मैंने वापस पूरा स्टेयरिंग सीधा कर लिया, अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन आप हाथ रखा करो नए ड्राइवर से, तो ठीक है। हाँ भाई मैं क्या बता रहा था कि क्लच और ब्रेक कब दबाने कब नहीं। तो भाई मैं जैसे लंबे टाइम से चला रहा हूँ गाड़ी, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप जैसे एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उनको क्या करना है कि गाड़ी अगर रोकनी हो आगे, ब्रेक कर आ रहा है ऐसा कुछ, तो आपको जो सबसे पहले ब्रेक दबानी है, उसके बाद जो स्पीड है वो 20 के नीचे या 20 के आसपास आ जाए, तब जाके आपको क्लच दबा के गियर चेंज करना है। और नए ड्राइवर से भाई, नए ड्राइवर से आप भूल ही जाओ, आप तो भाई सबसे पहले क्लच ही दबाओ इसमें भाई, आप क्लच दबा के ही ब्रेकिंग करो भाई, ठीक है? क्लच दबा के आपको ब्रेक मारनी है। तो भाई ये थी अपनी ब्रेकिंग वाली सिस्टम। लेकिन भाई अगर आपको, मैं कैसे ब्रेक मारता हूँ वो आपको देखना है, तो देखो जैसे अभी आगे ब्रेकर आए और मेरे को ब्रेक मारनी है, तो मैं भाई पहले क्लच नहीं दबाऊंगा, क्लच दबा के मैं जो गाड़ी फ्री कर दूंगा, फ्री करने के बाद मैं ब्रेक अपना आराम से धीरे धीरे जैसे भी ब्रेक मारनी हो मैं मारूंगा, और जैसे ही ब्रेकर आगे हो जाए तो मैं भाई गियर चेंज कर लूंगा क्लच दबा के वापस। मैं भाई ये ट्रिक यूज करता हूँ, गियर फ्री कर देता हूँ। तो भाई यही था आपका अपना जो है आज का वीडियो। ये 7-8 चीज़ें मैंने बताई छोटी छोटी भाई, लेकिन ये नए ड्राइवर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं आगे भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भाई डालता रहूँगा वीडियो में, वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है? तो भाई आज की वीडियो यही थी, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।